हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित। स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब चैनल नॉलेज नोर में। दोस्तों, ट्रेन में सफर करते हुए आप कहीं पहुंचने के लिए या किसी दूसरी ट्रेन को पकड़ने के लिए ट्रेन की स्लो स्पीड से लेट हो रहे हो, तब आपके मन में यह जरूर ख्याल आता होगा कि काश ट्रेन की स्पीड तेज हो जाए। इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या लोको पायलट ट्रेन की स्पीड बढ़ाकर लेट हो रहे ट्रेन को बचा सकता है। जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए। पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, आप ट्रेन में बैठे हो और आपकी ट्रेन स्लो चल रही हो, तब हर कोई यही सोचता है कि लोको पायलट ट्रेन की स्पीड को क्यों नहीं बढ़ा रहा, इतनी स्लो ट्रेन को क्यों चला रहा है। लेकिन दोस्तों, यह उतना आसान नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। हर एक ट्रेन की एक मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड होती है, जैसे कि लोकल ट्रेन के लिए 80 से 90 किलोमीटर पर आवर, ICF रेक वाली नॉर्मल एक्सप्रेस ट्रेन के लिए 100 से 110 किलोमीटर पर आवर, दुरंतो राजधानी के लिए 120 से 130 किलोमीटर पर आवर, शताब्दी गतिमान के लिए 150 से 160 किलोमीटर पर आवर। लोको पायलट उस ट्रेन की मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड से ज्यादा स्पीड को नहीं बढ़ा सकते, नहीं तो उन्हें दंडित किया जाएगा। और उनकी कोशिश हमेशा उस मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड से नीचे ही रहने की होती है, ताकि किसी भी तरह की कोई पेनाल्टी ना हो। लेकिन इससे ट्रेनों को डिले होने का चांस ज्यादा होने लगा, जिससे रेलवे ने एक नया नियम बनाया, जिसमें लोको पायलट को यह आदेश दिया गया कि वह 5 किलोमीटर के अंदर अपनी मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड को टच कर ले, जिससे ट्रेनों के लेट होने से बचाया जा सके। दोस्तों, लेकिन सवाल यह है कि उसके बाद भी हमारी ट्रेनें स्लो क्यों चलती है और लोको पायलट चाह कर भी उस स्पीड को क्यों नहीं बढ़ा पाते, ट्रेन लेट हो रही है फिर भी। लोको पायलट को ऐसा नहीं करने के बहुत सारे रीजन हैं, जिसमें पहला है, एक ही ट्रैक पर बहुत सारी ट्रेनों का परिचालन किया जा रहा है, जिसके लिए सिग्नलिंग की वैसी कोई व्यवस्था नहीं है, क्योंकि एब्सोल्यूट ब्लॉक सिग्नलिंग का यूज होने से एक ट्रेन के आगे जाने पर अगर वह नेक्स्ट स्टॉपेज पे पहुंच जाती है, तभी पीछे वाले ट्रेन को सिग्नल दिया जाता है। ट्रैक पुराने हो चुके हैं और मेंटेनेंस उस हिसाब से नहीं किया जा रहा, जिसके कारण स्पीड को कम रखने की अनुमति दी जाती है। गुड्स ट्रेन और पैसेंजर ट्रेन दोनों के सेम ट्रैक पर होने से ट्रेन अपनी स्पीड को मेंटेन नहीं कर पाती है। लोगों के अननेसेसरी चेन पुलिंग करने से 5 मिनट ट्रेनें डिले हो जाती हैं। ट्रैक पर बहुत सारे कॉशन ऑर्डर होने से लोको पायलट अपनी स्पीड को नहीं बढ़ा पाते, नहीं तो कोई भी दुर्घटना हो सकती। लेकिन इसके बाद भी लोको पायलट की अपनी कोशिश यही होती है कि वह ट्रेन को डिले होने से बचाए और ट्रेन की स्पीड को मेंटेन रखे, लेकिन रूल के बाहर नहीं। उम्मीद करते हैं आपको आपके क्वेश्चन का जवाब मिल गया होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।